हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्या यूट्यूबर। तो दोस्तों, आप सभी ने मेरा पहला वीडियो जो कि हाइनिक्स का DDR2 रैम का रिव्यू था, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया रैम जो कि लैपटॉप का रैम है, ये DDR3 सैमसंग का रैम है। तो दोस्तों, आज मैं इस रैम के बारे में आपको बेहतर तरीका से बताने वाला हूँ और मैं आज इसे अपने लैपटॉप जो कि डेल का है इसमें लगाकर आपको पूरी तरीके से दिखाने वाला हूँ कि ये रैम कैसे लगता है और आप कैसे जान पाओगे कि आपके जो लैपटॉप है या आपका जो सिस्टम है उसमें कौन सा रैम यूज होगा। इस बारे में आपको बहुत ही बेहतर तरीका से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपने चैनल को एक बेहतर चैनल बना सकूं और आप लोगों का हेल्प करता रहूं। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने लैपटॉप में इस रैम को लगाते हैं। तो गाइस, आप अपने लैपटॉप के बैक साइड में देखेंगे एक छोटा सा पैनल जो कि खोलने लायक होता है, जिसके नीचे हमेशा ऐसे पार्ट्स लगे होते हैं जिन्हें हमेशा हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, रैम जो है हमारा हमेशा इस पैनल के अंदर लगा हुआ होता है, तो हम इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ओपन कर लेंगे। दोस्तों, इसमें लॉक लगे होते हैं तो इसे आप सावधानी पूर्वक ओपन करें। दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे हमारे हार्ड डिस्क, वाईफाई और रैम लगाने का जगह दिया हुआ है। दोस्तों, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहां पे ओनली DDR3, इसका मतलब इसमें केवल DDR3 का ही रैम लगेगा। इस प्रकार से हमारे जो भी कोई पीसी या लैपटॉप होता है उसके मदरबोर्ड पर रैम लगाने के जगह पर हमेशा ये बातें लिखी हुई होती हैं। तो दोस्तों, रैम परचेस करने से पहले आप ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे रैम में एक कट बना हुआ है और वैसा ही कट हमारे मदरबोर्ड में बना हुआ है। तो हमें इस चीज़ को सीधा में रखते हुए हल्के हाथों से रैम को अच्छी तरह से फिट करना है और उसे फिट करने के बाद हमें हल्के हाथों से उसे नीचे की तरफ पुश कर देना है। दोस्तों, इस तरह से हमारा जो रैम है वो लॉक हो चुका है। दोस्तों, अब हम अपने बैक पैनल को बंद कर देंगे। रैम को चेंज करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि यदि आपका लैपटॉप ऑन है तो उसे हमेशा बंद कर दें, यदि बैटरी लगी हुई है तो उसे आप रिमूव कर दें। दोस्तों, यदि आप पीसी का रैम चेंज करने जा रहे हैं तो उसे हमेशा पावर केबल को उससे निकाल दें। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन हो चुका है। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा रैम कितना शो कर रहा है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा 2GB यहां पे रैम शो कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको किसी भी प्रकार की रैम, लैपटॉप या मोबाइल से संबंधित जानकारी चाहिए या सहायता चाहिए तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें, या यदि आप कोई भी रैम परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार उसे चेकआउट जरूर करें। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं हमेशा आप सभी का हेल्प करता रहूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।